हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, पिछले 2 दिन से जो बिहार में चल रही थी ना खबरें, आज उसका पटाक्षेप हो गया और नीतीश कुमार ने आरजेडी का साथ छोड़ के, लालू यादव का साथ छोड़ करके फिर से उन्होंने एनडीए में ज्वाइन किया और बीजेपी और एक हम पार्टी, इन लोग के साथ मिलके फिर सरकार बनाई बिहार में। हालांकि चीफ मिनिस्टर वही हैं, तो उनके जो एलाइज है वो चेंज हो गए। अब इसमें जो है, ये जो वामपंथी झंडू मीडिया है ना, जैसे सत्य हिंदी चैनल में सब आते हैं, 4 PM एक चैनल है, और NDTV से जो भगाए गए सब पत्रकार हैं, और भी कुछ दुखी आत्माएं हैं, इन लोग को बड़ा शॉक लगा है, बड़ा ये लोग दुखी हो गए हैं और इनको समझ में नहीं आ रहा है कैसे रिएक्ट करें। तो इन इन मीडिया वालों को, जो झंडू मीडिया है, जो वामपंथी, इन लोग को शर्म नहीं आती कि इन लोग को उस समय तकलीफ नहीं हुई थी जब नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ इलेक्शन लड़ा, बीजेपी का वोट भी उनके एमएलए को मिला। अब ये अलग बात है कि पासवान, चिराग पासवान ने उनके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा कर दिया तो वो उनको कम सीटें मिली, लेकिन बीजेपी का वोट भी मिला उनके एमएलए को। और वहाँ जो काम किया है महाराष्ट्र में शिवसेना वालों ने, उस तरह का काम कि आप जो है एलाई बना के इलेक्शन लड़ रहे हो बीजेपी के साथ, और बाद में तोड़ के चले जा रहे हो, उनके साथ मिलके सरकार बना रहे हो जिनके खिलाफ आप जीत के आए हो इलेक्शन। मतलब हर जगह जो भी इसके नीतीश कुमार की पार्टी के, जेडीयू जो है, उसके जो भी एमएलए जीते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं आरजेडी वालों को तो हराया है ना। तो तब इनको तकलीफ नहीं हुई कि अरे कैसे आरजेडी के साथ चले गए, अब ये रुदाली मचाए हुए हैं। तो ये मीडिया वालों को बोलना चाहता हूँ ना, ये झंडू मीडिया जो है वामपंथी, कि तुम लोग के गाल पर ऐसा तगड़ा तमाचा मारा है बीजेपी वालों ने ना, कि पूरा इंडिया अलायंस जो बना था ना, सबको तितर बितर कर दिया है, खत्म कर दिया इंडिया अलायंस को। उसका जो आर्किटेक्ट था ये नीतीश कुमार, इसको इतनी इंसल्ट किया, इसके खिलाफ साजिश की गई कि ममता बनर्जी ने खड़गे का नाम आगे कर दिया और सपोर्ट कर दिया इसने अरविंद केजरीवाल ने, और उस समय लालू यादव चुप बैठा था। तो नीतीश कुमार के पास दिमाग नहीं है कि वो सब में नीतीश कुमार, लालू यादव की रजामंदी से हो रहा था वो सब चीज। और इसका पता, ऐसे पता भी चला कि ये चीज नीतीश कुमार को मालूम ही नहीं थी। तो तुम लोग इंडिया अलायंस बना भी नहीं है, तब भी अंदर अंदर साजिश कर रहे हो, किसी को नीचा दिखाना चाहते हो, किसी को ऊपर करना चाहते हो, और चले हो इंडिया अलायंस बना करके बीजेपी को हराने। अब तो मारा ना बीजेपी ने तमाचा, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए हैं वामपंथी मीडिया वाले। बस अभी चिल्लाते रहो जो मर्जी आए, कितने दिन चलेगी सरकार, ये चलेगी वो चलेगी, अरे खूब चलेगी सरकार। बीजेपी वाले इतने बेवकूफ नहीं है, और ऐसा मास्टर स्ट्रोक मारा है मोदी और अमित शाह ने कि इंश्योर कर दिया है कि बिहार की 40 की 40 सीटें जीतेंगे एमपी की वो। और अभी एक झटका शायद तुमको और लगे कि शिवसेना के जो, शिवसेना भी बीजेपी के साथ आके मिल गई, उद्धव ठाकरे भी बीजेपी के साथ मिल के इलेक्शन लड़ेंगे, ये भी कभी खबर सुनने को मिल सकता है तुमको। क्योंकि शिवसेना की, बीजेपी की, हिंदुत्व की विचारधारा तो है ही है, और तुम लोग जरा ये डेमोक्रेसी की ज्यादा दुहाई मत दिया करो यहाँ पे। यहाँ डेमोक्रेसी इसीलिए है कि यहाँ हिंदू मेजॉरिटी में है, जिस दिन मुस्लिम यहाँ मेजॉरिटी में हो जाएंगे ना, उस दिन कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, भाग जाओगे इंडिया छोड़कर। तो ज्यादा डेमोक्रेसी की तुम्ही को सारी चिंता है, ये सत्य हिंदी चैनल वालों को, जो वामपंथी मीडिया, इन्हीं को सारी चिंता है इंडिया की डेमोक्रेसी की। शर्म करो, अब कहीं मुंह दिखाने लायक रह गए? आ गया ना जो आर्किटेक्ट था इसका, इंडिया अलायंस का, तो आ गया बीजेपी के साथ। अब क्या कर लोगे? कर लो जो करना है। वेल डन नीतीश कुमार, बहुत सही समय पर इन लोग को झटका दिया है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। नमस्कार।